फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग समृद्धि एक्सप्रेसवे में आ गए हैं। ये है टोल गेट, हम इसके अंदर अभी एंट्री ले रहे हैं। देखिए, रास्ता को सजाने के लिए दीवारों को पेंट करने का जो बेहतरीन अंदाज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओम साई राम। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 5 और हम लोग उठ के एक नए रोड ट्रिप के लिए एकदम से तैयार हो गए हैं। मैं और मामाली कंप्लीटली हम लोग रेडी हो गए हैं और धर्मपत्नी जी अभी रेडी हो रही है। तो अभी 10 मिनट में हम निकलेंगे और आज का जो हमारा ट्रिप रहेगा ये हमारा होम टाउन केओंझर तक रहेगा। हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग अभी मुंबई से निकलेंगे, मुंबई से निकलते हुए शिरडी होते हुए बाबा का दर्शन करेंगे, वहाँ से फिर समृद्धि महामार्ग पकड़कर अप टू नागपुर हम लोग जाएंगे और आज रात का जो हॉल्ट है वो नागपुर रहेगा। उसके बाद में आगे का सफ़र हम आपको कल सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें निकलने दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ में और ये वीडियो को ना फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह भी मुंबई में कितना ट्रैफिक। अभी सुबह का 6 बज रहा है, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया घर से निकलते 6:45 को हम लोग निकले घर से, क्योंकि सामान बहुत सारा है हमारा और सामान वगैरह लोड करके निकलते हम लोगों को लेट हो गया। तो फिर भी देखिए, सुबह 6 बजे का मंजर पूरा भरा हुआ है रोड का, दोनों लेन इधर भी ट्रैफिक एंड इधर भी ट्रैफिक। एंड दिस इज मामली एंजॉयिंग द ट्रिप। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक देखें और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए, आगे का हाल हम आपको रास्ते में सुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी घने कोहरे के अंदर पूरा फंसे हुए हैं, विजिबिलिटी एकदम ही जीरो है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 का स्पीड में ही ट्रैवल कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने का जो हालत, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा घना कोहरा और सारे गाड़ियां धीमे धीमे चलते हुए। तो हम भी उसी तरह आराम से चलेंगे और जैसे ही धूप निकलेगा तो कोहरा थोड़ा छट जाएगा, उसके बाद में फिर हम आराम से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद में हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए थे। ब्रेक एक्चुअली चाय की सख्त ज़रूरत आन पड़ी थी मुझे, तो मैंने चाय पिया और धर्मपत्नी जी भी गए थे चाय पीने के लिए, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पिया और वापस आ गए। और मामाली के लिए हम लोगों ने ये जो सामने वाला फ्रंट वाला सीट है उसको पूरा फोल्ड कर दिया और उसके पैर के नीचे एक सूटकेस रख दिया, तो वो आराम से पैर पसार के सो गई है। और हम अभी निकलेंगे यहाँ से, जस्ट 10-15 मिनट का ही ब्रेक था, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, शिरडी जाएंगे, शिरडी में बाबा का दर्शन करेंगे, फिर हम आगे नागपुर की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।
का बहुत ही अच्छा रहा हमारा। हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक ब्रेक लिया था 2 घंटे के बाद में, और अभी हम कसारा पहुंचने वाले हैं। कसारा से शिरडी लगभग 120-130 किलोमीटर रहेगा, तो कसारा से घोटी के बाद में हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस वे पकड़ के शिरडी तक जाएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग नागपुर के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे तक नागपुर पहुंच पाते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में और ये ट्रिप को एंजॉय करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग समृद्धि एक्सप्रेसवे में आ गए हैं। अभी जस्ट समृद्धि एक्सप्रेस के ऊपर हम लोग आ गए और शिरडी यहाँ से है 89 किलोमीटर्स, मतलब लगभग 90 किलोमीटर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगना चाहिए हम लोगों को। 11:30 बजे तक हम शिरडी में पहुँच ही जाएंगे और शिरडी में मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए हम लोग को दर्शन के लिए, और उसके बाद में हम निकलेंगे नागपुर की तरफ। ये जो हाईवे है देखिए कितना खूबसूरत है, बेहतरीन, एकदम स्मूथ है और कंक्रीट का है ये हाईवे, और दिखेगा तो आपको जहां तक देखेगा एकदम स्ट्रेट है, पूरा सीधा। इसमें मोड़ वगैरह बहुत कम मिलेगा आपको। तो शिरडी से नागपुर हमें 5-6 घंटा लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम को हम लोग 5:30 बजे तक नागपुर टच हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिए। मिलेंगे आपसे आगे, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स हम लोग शिरडी अभी पहुंचने ही वाले हैं। जो आगे वाला एग्जिट है वो हमें शिरडी के लिए लेके जाएगा। यहां से और 10 मिनट लगेगा शिरडी के साई बाबा टेम्पल तक, वहाँ पे जाएंगे दर्शन करेंगे और फिर हम लोग नागपुर की तरफ आगे के लिए हमारा जो जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। वैसे नागपुर में हम लोगों ने आज का जो स्टे है वो एक होटल हम लोगों ने बुक कर लिया है, मैंने उसको अगोड़ा से बुक किया था, तो जाके रुकना है, फिर कल सुबह रेडी होके फ्रेश होके निकल जाना है अपनी मंजिल की तरफ। और ये जो आगे का एग्जिट दिख रहा है वो शिरडी का एग्जिट है, यहाँ से जस्ट 500 मीटर्स पे। ये जो हाईवे है ये बनने के बाद में स्पेशली जो अमरावती नागपुर अकोला जो मुंबई से ट्रैवल करते हैं बाय बस हो बाय रोड हो बाय कार हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो गया। अभी ब्लॉक के चक्कर में मैं एग्जिट मिस करता था, फिर मुझे रिवर्स आना पड़ता था। तो यहाँ पे आगे टोल गेट आएगा, एग्जिट का टोल, और वहाँ पे हमारा टोल का जो अमाउंट है फास्टैग से डेबिट हो जाएगा। जहाँ से समृद्धि महामार्ग अभी चालू हुआ है वहाँ से शिरडी तक शायद मेरे हिसाब से 160 टोल कटता है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद 160 ही कटता है। और पूरा अगर अभी नागपुर तक जाएंगे तो आपको 1000 समथिंग रुपीज का टोल पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि अच्छे सड़क में अगर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको हर जाना तो भरना ही है। सड़क अच्छा हो गया, ये गाड़ी रिवर्स क्यों आ रहा है, उसका टोल रीड नहीं कर रहा है क्या, हम ही रिवर्स ले लेते हैं दूसरे लेन में चले जाएंगे, अब
पता नहीं, ये लोग का फास्टैग कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है इनका सिस्टम, है ना। मेरा काम कर गया। गाड़ी का नंबर के साथ MH47AY9646। फाइनली हम लोग टोल गेट से क्रॉस कर चुके हैं और ये आपको दिख रहा होगा शिरडी का बोर्ड, शिरडी एंड कोपर गांव। सीधा जाएंगे तो शिरडी और ये लेफ्ट वाला एग्जिट ले लेंगे तो कोपर गांव। तो हमें जाना है शिरडी, तो हम शिरडी का जो रोड है उसी को पकड़ लेंगे और ये भी वैसे घुमा के आपको नीचे ही लेके आएगा, फर्क कुछ नहीं है। गोल गोल घूमना है, मतलब आपको एक्सप्रेस वे का एग्जिट मतलब गोल गोल घूमना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बाबा का दर्शन करके आगे के लिए बढ़ेंगे और आगे का सफर आपको दिखाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग शिरडी से दर्शन करके आ गए हैं। अभी जस्ट समृद्धि महामार्ग में वापस एंट्री करने वाले हैं, टोल गेट हमारा सामने ही है। क्योंकि हम लोग जब गए ना शिरडी पहुंचे, तब बाबा की जो दोपहर की आरती है ना, वो आरती चल रही थी, तो उसके लिए हमको थोड़ा आधा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तो ये है टोल गेट, हम इसके अंदर अभी एंट्री ले रहे हैं वापस बैक टू समृद्धि महामार्ग। यहाँ से हमारा जो फास्टैग को रीड कर लिया जाएगा और जब हम एग्जिट करेंगे तभी हमारा फाइनल टोल वसूला जाएगा। ये जो लेफ्ट में जो गया है रोड, ये मुंबई की तरफ जाती है और ये जो हम जिसमें चढ़ रहे हैं राइट वाली, ये नागपुर की तरफ जाती है। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है ब्रिज के नीचे से जाके हमको राइट लेना पड़ेगा, तो फिर हम वो नागपुर वाले रोड में आ जाएंगे। यहाँ से नागपुर तक की दूरी है 535 किलोमीटर और जो ट्रैवल टाइम बता रहा है 6 घंटा, तो लगभग लगभग 8 बजे तक हम लोग पहुँचने का संभावना है। हम लोग का जो प्लानिंग था उसमें अभी तक तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं आगे। इस हाईवे में जब लास्ट टाइम हम आए थे तो ये जो देखा ना अभी अपने लाल पीला कुछ ब्लॉक्स वगैरह रखा हुआ है, तो हर एक एक दो दो या चार चार किलोमीटर में ना ऐसा कुछ ना कुछ तो आ रहा है बना हुआ, मतलब ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो चालू है। तो हर दो चार किलोमीटर में एक एक ऐसा चीज़ आ रहा है, कहीं पे ब्लॉक्स रखा हुआ है, कहीं पे पेड़ बना हुआ है, कहीं पे कार्टून्स बने हुए हैं, तो कहीं पे हाथ बना हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम शिरडी आए थे उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था। आज मौसम थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, धुआं धुआं मतलब फॉगी टाइप का है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी भी है, लेकिन धूप है, लेकिन फिर भी साफ नहीं है आसमान। और अभी तक तो ठंडी हमें नहीं महसूस हुआ, लेकिन आगे तो ज़बरदस्त ठंड रहेगा महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद में छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, तो ठंडी को भी एंजॉय करने का चांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने एक 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था, तो ब्रेक का रीज़न था कि हम लोगों ने कुछ खाना घर से बना के लेके आए थे। हमारे पास में परोठा था, आलू का परोठा,
प्लस लेमन राइस भी था और कर्ड भी थी हमारे पास में। तो पराठा तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में चट कर लिया था और थोड़ा बचा हुआ है। अभी लेमन राइस मैंने खाया और मामाली खा रही है, सोते सोते खाते खाते जा रही है वो अपने। तो इसके लिए छोटा सा ब्रेक था और हमारे धर्मपत्नी जी उन्होंने एक परोठा खा लिया तो उनका हो गया। तो ऐसे ही मतलब एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी आज की मंजिल जो कि नागपुर है। अभी तक टाइमिंग वही बता रहा है, तभी 8:11 बता रहा था, अभी थोड़ा ब्रेक लिए इसके लिए 8:27 का अराइवल बता रहा है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आधा घंटा से पहले हम लोग पहुंच जाना चाहिए। और रोड का क्या बताऊं, रोड देखिए आप एकदम खाली, बहुत दूर दूर में एक एक गाड़ी दिखेगी आपको और पूरा स्ट्रेट है। ऐसा लगा कि गडकरी जी ने ना स्केल डाल दिया इंडिया का मैप के ऊपर, नागपुर और मुंबई को एक लाइन खींच दिया और बोला कि यहीं पे सड़क बना दो। तो इस सड़क की स्थिति बिल्कुल ही ऐसे ही है, पूरा सीधा और बीच बीच में पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है। पीछे गया वो मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और फॉरेस्ट जोन में भी जाता है, एनिमल क्रॉसिंग वगैरह बहुत सारा बनाया गया, अंडरपास भी है, ओवरपास भी है। और आपको पता ही होगा कि ये कम्प्लीटली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो एकदम प्री प्लान्ड है रोड एकदम। देखिए रास्ता को सजाने के लिए दीवारों को पेंट करने का जो बेहतरीन अंदाज, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। फेंसिंग को पूरी तरह से रंग दिया है, पूरा कलरफुल। यहाँ पे कोई ब्रिज आ रहा है, ये कौन सा नदी है, शिवना रिवर, हिंदी में लिखा है शिवना, अंग्रेजी में लिखा है शिवाना। ये नदी है, ब्रिज तो बड़ा प्यारा बना है। इस हाईवे पे एक्चुअली गाड़ी पार्किंग करना मना है, फिर भी लोग खड़े कर देते हैं। कम से कम जहाँ पे रेस्ट एरिया आएगा वहाँ पे रुक सकते हैं अगर रुकना ही है तो। और इसी यहीं पे ही आगे औरंगाबाद भी अभी आने वाला है, 45 किलोमीटर तक बचा होगा। फॉग बहुत ज़्यादा है, आपको कितना दिख रहा होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सामने का जो नज़ारा है ना एकदम लाजवाब है। देखिए दोनों पहाड़ों के बीच में से रास्ता को काट के निकाला गया है, कितना खूबसूरत है। अगर धूप रहता था ना तो और भी प्यारा लगता था। ये 4-5 ड्रम्स को लगा के कुछ यहाँ पे कर दिया है लोग ने, हर एक 2-4 किलोमीटर ऐसा ऐसा कुछ तो आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स किस हद तक पहाड़ को काटा गया है, और आगे जो एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है ना वो एनिमल ओवरपास लग रहा है, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा फेंसिंग है। और यहाँ पे रोड के दोनों साइड में पेंटिंग का काम भी चालू है, मस्त पेंटिंग बना रहे हैं ये लोग। जहाँ पे भी जगह है वॉल टाइप का कुछ भी है वहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं। और इसमें ये जो पिलर्स है ना इसमें भी जबरदस्त पेंट किए, पेंटिंग चालू है, पेंटिंग का काम अभी। इस साइड में भी पेंटिंग है और आगे भी साइन बोर्ड है, ओवरटेकिंग लेन 120-80। और मेरा स्पीड आज 100 से नीचे में चल रहा है। और ये है आगे का नजारा आप लोगों के लिए,
तो फ्रेंड फ्रेंड्स सामने एक छोटा सा टनल आ रहा है, नागपुर यहाँ से 420 किलोमीटर बता रहा है और हमारा जो होटल है वो 34 किलोमीटर आज पर गूगल मैप्स, ये तो घुसते ही खत्म, मतलब चालू होते ही खत्म हो जाता है। अच्छा दिख रहा है नजारा, गुफा जैसे दिख रहा है एकदम, और उसको नोटिफिकेशन भी किया है, उसको एकदम मुकुट जैसा पहना दिया टनल को। टनल के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा, रात होता तो लाइट रहता था, तो अभी दिन है करके दे आर सेविंग एनर्जी, बिजली नहीं है अंदर। यहाँ पे राइट साइड में एक पेट्रोल पंप ऑपरेशनल है, बड़ा पेट्रोल पंप है। एक्चुअली समृद्धि एक्सप्रेसवे में हम लोग शिरडी से कितने बजे निकले, हम लोग 1:30 बजे निकले, तो शिरडी जैसे ही शिरडी में एंटर किया हम लोगों ने हाईवे में, वहाँ पे जो पहला रेस्ट एरिया है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, और वहाँ से अभी हम लोग कम से कम 150 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक हमको ना कोई पेट्रोल पंप मिला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो नागपुर जाने वाली साइड में, और ना ही कोई रेस्ट एरिया मिला है। तो अगर आप मुंबई की साइड से आ रहे हैं तो पेट्रोल साथ में लेके चलिए, मतलब टैंक फुल करके चलिए, और जबकि जो मुंबई जाने वाले साइड में हम लोगों को 2-3 पेट्रोल पंप ऑपरेशनल दिख गए हैं, लेकिन नागपुर वाले साइड में अभी तक तो एक ही पेट्रोल पंप दिखा, और वो भी शिरडी एंड मतलब शिरडी के पास, और ना ही कोई वॉशरूम है, तो ये इनकन्वीनियंस तो है लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये है वो स्नैक्स कॉर्नर, और इस साइड में आपको दिख जाएगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और वो जो इंडियन ऑयल का बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के उस तरफ में आपको एक दो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो इस हाईवे में पेन तो है, इधर आप साथ में कैरी करो नहीं तो भूखे रहो, ऑप्शन आपके पास है क्या करना है। तो हम थोड़ा चाय पिए यहाँ पे, चाय पी के हम निकल गए अभी। अभी यहाँ से नागपुर का जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर के आसपास। आखिरकार पहुंच गए हमारे यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, ये समृद्धि महामार्ग का एग्जिट टोल है, और यहाँ पे हम लोग टोल भर के आगे नागपुर तक निकल जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है रात का 8 बजे, और शिरडी से नागपुर यहाँ तक का दूरी हम लोग 6 घंटे में पूरे किए। अभी हम लोग जाएंगे होटल में और वहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ, और कल सुबह हम लोग जब स्टार्ट करेंगे नागपुर से रायपुर के लिए, वो सेकंड ब्लॉग में आप लोगों के लिए आएगा। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, शुभ रात्रि, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।